अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा किचन में आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो आज हमारे किचन में बने जा रहा है मक्खन। घर में मक्खन कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको ये सिखाऊंगी, क्योंकि डिफरेंट तरीक़ों से घर में मक्खन बनाया जाता है, लेकिन हम जो है ना मलाई से मक्खन बनाते हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगी। तो मैंने उसके लिए आधा किलो मलाई ली है और साथ में 2 से 3 ग्लास जो है ना यख पानी के हम लेंगे। तो चले आए चलते हैं कि मक्खन कैसे बनता है। मैं सबसे पहले मैं आधी मलाई अंदर डालूंगी ग्राइंडर में। 1, 2, 3 साथ में 1 ग्लास पानी। तो 1 ग्लास मैंने पहले डाला था, 1 ग्लास मैं फिर से डाल रही हूँ। और अब मैं इसको ऊपर रख के इसको बंद करूँगी और इसको चला। तो मैंने इसको 3 से 5 मिनट ग्राइंड किया, तो आप देखें कि मक्खन ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अभी मैं इसको और ग्राइंड करूँगी ताकि जो है ना सारा मक्खन जो है ना ऊपर आ जाए। ये देखिए हमारा मक्खन जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ बाहर। ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा निचोड़ लेना है। जो नीचे है वो हमारी लस्सी भी रेडी हो गई है साथ में। तो ये देखिए मक्खन जो है हमारा तैयार हो चुका है। मक्खन जो है अब मैं इसको हम लोग फ्रीज कर लेंगे। और आप इसको हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, सब्जियों के साथ स्पेशली ये बहुत अच्छा लगता है, चिकन के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेरी मलाई बाकी रह गई है उसको भी मैंने इसी तरह मक्खन बना लेना है। आप लोगों ने भी ये घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना है कि आपका बना था कि नहीं बना था। तो आपसे मुझे एक और बात भी शेयर करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का जो है लिंक है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। अब मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।